पहले प्रकृति की मार और अब लॉकडाउन में पान कृषक तबाह हो रहे हैं। कभी विदेशों तक में बिकने के लिए जाने वाले पान के पत्ते बरेज के अंदर ही सूख रहे हैं और लाचार किसान उनको बेच नहीं पा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि इन किसानों के बारे में सोचने की फुर्सत ना तो प्रशासन के पास है और ना ही जनप्रतिनिधियों ने ही इनकी समस्या दूर करने का प्रयास किया है। विंध्य क्षेत्र का जिला रीवा पान की खेती के लिए काफी प्रसिद्ध है। गुड़, मैसाव, गोरगी सहित आसपास के दर्जन भर गांव में पान की खेती का धंधा किसान करते आ रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी इस खेती को जीवित रखने वाले किसान अब खुद भूखों मरने की कगार पर पहुंच गए हैं। पिछले एक माह से घोषित लॉकडाउन ने किसानों के सामने गंभीर समस्या खड़ी कर दी है। वे अपने पान बेचने नहीं जा पा रहे हैं और उनके पत्ते बेल में ही खराब होकर गिर रहे हैं। शासन द्वारा किसानों के लिए तमाम सुविधाएं देने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन पान के किसान इससे वंचित हैं। पान के करीब 400 किसान 8 महीने से किसान सम्मान निधि की राशि पाने के लिए भटक रहे हैं। तमाम समस्याओं से जूझ रहे किसानों के सामने अब लॉकडाउन एक चुनौती बन गया है, जिसमें वे अकेले ही अपना अस्तित्व बचाने को संघर्ष कर रहे हैं। को चौरसिया समाज के इतनी नुकसान हो रही है कि 1000 रुपए रोज पाते थे, पर अब 5 सब नष्ट हो चुका, नष्ट हो रहा है। उसमें कोई न कोई लेने वाला है, न कोई बेचने को देते नहीं है। और आगे बड़ी समस्या है ये लॉकडाउन से। पहले कितना पान बेच लेते थे डेली? डेली कम से कम 500-1000। जीवन यापन के लिए इस पान की खेती के अलावा ही कुछ करते हैं? कोई कुछ अपने पास है ही नहीं तो करें क्या। पान की खेती हम लोग निरंतर जब से हम लोग जाने लायक पान की खेती कर रहे हैं, पर पान की खेती में हम लोगों को नुकसान के अलावा फायदा नहीं हो रहा है। कभी आधी आ जाती तो हम लोगों को बरेज गिर जाता है, कभी ओला पाला से हम लोगों को क्षति हो जाती है। तो हम लोगों को शासन की ओर से मुआवजा बहुत कम मिल रहा है। पहले जब हम लोगों कांग्रेस की सरकार थी, तब हम लोगों के यहाँ अगर आग लग जाती थी बरेज में तो 2000 रुपये प्रति किसान को मिलता था कब्जे के आधार पर। पर माननीय शिवराज सिंह जी की जब सरकार बनी, उन्होंने आरबीसी एक्ट में संशोधन किया और संशोधन करने के बाद हम लोगों को शायद वो फायदा अधिक देना चाहते थे, पर वहाँ हो उल्टा गया। 26 आरे को एक पारी माना गया। वर्तमान में हम लोगों की पारी 4 आरे की होती है, इसलिए 350 रुपये मुआवजा निर्धारित हुआ उसमें। और हम लोगों को 350 रुपये में कुछ होता नहीं है। पहले 2000 में हम लोगों बरेज तैयार हो जाता था। अब वर्तमान स्थिति में, आज की स्थिति में यहाँ लॉकडाउन है। लॉकडाउन करीबन 25 दिन हो रहा है। हम लोग पर डे अगर बरेज से पान लेकर जाते हैं मंडी में ना बेचे तो हम लोगों को 1000 रुपये का पान नुकसान होता है। इस तरह से 25 दिन में एक किसान का अगर लें तो 20-25 हज़ार की नुकसान हो चुकी है। तो यहाँ जितने बरेज हमारे यहाँ आसपास लगे हैं, करीब हम लोगों के 2500,000 की नुकसान हो चुकी है। और अब तो सुनने को मिल रहा है कि शासन के द्वारा और कोरोना को बढ़ाया जाएगा, 3 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो हम लोग बरेज में करीब करीब हम लोग 5 किसान खत्म हो रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।